जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पायर इंस्टीट्यूट, आपका प्यारा सा चैनल। और कल हमने देखा था मार्कोनिकोव नियम, और आज हम देख रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव नियम। मार्कोनिकोव नियम के जस्ट अपोजिट नियम एंटी मार्कोनिकोव नियम होता है। देखते हैं, चलो इसको मार्कोनिकोव के अपोजिट नियम एंटी मार्कोनिकोव नियम। दोस्तों, एंटी मार्कोनिकोव नियम में क्या किया जाता है, जो एंटी मार्कोनिकोव नियम होता है, इस एंटी मार्कोनिकोव नियम में भी हम क्या लेते हैं, एंटी मार्कोनिकोव नियम में भी एल्किन लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, एल्किन लेते हैं। इसमें मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव दोनों में आप एल्किन और चाहे तो एल्काइन भी ले सकते हैं, एल्काइन भी आप उसमें ले सकते हैं। मार्कोनिकोव में उन्हें एल्काइन नहीं बताया था, नहीं एल्काइन वहाँ भी ले सकते हो आप, एल्किन लेते हैं। एल्किन भी दोस्तों कौन सा, अनसेचुरेटेड, जैसा कि हमने वहाँ लिया था अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कैसा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड के इधर उधर असमान, असममित, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी अनसेचुरेट, अनसिमिट्रिकल, अनसेचुरेटेड है ये, अनसिमिट्रिकल, अनसिमिट्रिकल या असममित, असममित, ठीक है दोस्तों, असममित या अनसिमिट्रिकल लिया हमने। इसका जो हम अभिक्रिया कराते हैं वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं। हाइड्रोजन हिलाइड में सिर्फ और सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव में HBr से ही होगी, किससे होगी, HBr से ही होगी। और HCl HI से नहीं होती है, और HF से तो कतई नहीं होती है, इस चीज़ को याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट आया दोस्तों, ये आया है हमारा कि इस एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो होता है आपका रहता है परऑक्साइड, क्या रहता है परऑक्साइड, परऑक्साइड H2O2 हो सकता है, या फिर मैं आपको लेता हूँ C6H5CO का होल ट्वाइस O, इसी को हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C6H5। ये देखिए आप, यहाँ पर परऑक्साइड दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, परऑक्साइड। ये परऑक्साइड दो ऑक्सीजन के बीच में जो बंध होता है उसे परऑक्साइड बंध कहते हैं। तो परऑक्साइड, इसी कारण से इस रूल को, एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं या परऑक्साइड रूल भी कहते हैं। इसे खराश रूल भी कहा जाता है दोस्तों, परऑक्साइड रूल, परऑक्साइड इफेक्ट, या फिर इसे खराश नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खराश नियम। खराश नियम क्यों कहा जाता है इसका, क्यों, खराश नाम के साइंटिस्ट ने देखा था HBr, उसने क्या किया दोस्तों, उसने किया आपका अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल लिया, अनसिमेट्रिकल में क्या है अपना CH3 लिया उसने, क्या लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिया, इसकी रिएक्शन करवाई HBr से, किससे करवाई HBr से, यहाँ पर प्रभाव रखा परऑक्साइड का। परऑक्साइड में मैं लिख देता हूँ C6H5 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर भी दोस्तों C डबल बॉन्ड O रहेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये CC ऐसे जुड़े रहेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ C6H5, या आप इसकी जगह H2O भी लिख सकते हो, या परऑक्साइड भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसकी जगह परऑक्साइड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, परऑक्साइड लिख दीजिए। इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम, इसमें हमने देखा था मार्कोनिकोव में H+ और Br- इस फॉर्म में टूटता है, H+ Br- फॉर्म में टूटता है। मार्कोनिकोव रूल में हमने क्या चीज़ देखी थी भाई, तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन आपकी बनती है कौन सी, एक कंडीशन बनती है आपकी CH3 CH, ये क्लीवेज होगा,
बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद ये हो गया सिंगल बॉन्ड। आपका जो प्लस वाला भाग है वो हो सकता है यहाँ जाए और माइनस वाला भाग है वो यहाँ जाए। देखो एक दो, ये हाइड्रोजन का तीसरा बॉन्ड और ये चौथा, एक दो तीन और ये चार, क्लियर। ये दूसरा जो इफेक्ट है ये ऐसा बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड टूटा। ये जो BR होगा आपका, ये वाला BR ये यहाँ आ सकता है या फिर और ये H यहाँ आ सकता है। अब हमने मार्कोनिकोव ने क्या बोला था, मार्कोनिकोव नियम कहता था कि आप हाँ नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की काउंटिंग कम होती है। यहाँ एंटी मार्कोनिकोव आपका उल्टा कहता है, एंटी मार्कोनिकोव कहता है जहाँ हाइड्रोजन उस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जहाँ कार्बन की, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, आप देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर है तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, जबकि उसमें क्या हुआ था, यहाँ जुड़ा था। तो आपका ये वाला पहला वाला जो है बिल्कुल सही होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ CH3CH2, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ा जहाँ पर ज़्यादा संख्या होती है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जो हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है वह एंटी मार्कोनिकोव रूल कहाँ लगता है, अनसिमेट्रिकल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्किन पर लगता है। उस अनसैचुरेटेड एल्किन में आपका CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 होगा और यहाँ पर भी HBr ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकोव में HCl HI रह सकता है, HF नहीं रहता है मार्कोनिकोव में भी, तो HCl HI रह सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव में HCl HI जो होता है यह प्रभाव नहीं शो करता है। इसमें परोक्साइड रहता है, इस कारण से इसे परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। खराश नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इसे खराश नियम भी कहते हैं। H+ को करा हुए तो आपका जो होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल की जो डेफिनेशन होती है वह यह कहती है दोस्तों, एंटी मार्कोनिकोव नियम की डेफिनेशन वह क्या कहती है दोस्तों, देखो जब किसी असममित हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अभिकृत कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, परोक्साइड की उपस्थिति में, तो अभिकर्मक का विद्युत ऋणात्मक तत्व, अभिकर्मक का विद्युत ऋणात्मक तत्व द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, इसे परोक्साइड प्रभाव भी हम कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आया, ये आपको जो है डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और यही आपका क्या है, एंटी मार्कोनिकोव। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद आपको जो है यह वाली रिएक्शन उसको कंप्लीट करके देनी है। ये रिएक्शन इसी के वो आपको नंबर देता है, एक डेफिनेशन के और उसके बाद जो होते हैं रिएक्शन के। तो एक बार आप डेफिनेशन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।